तो भारत को घेरने की तैयारी में चीन यह सोच रहा है कि भारत को घेरकर उसके प्रत्येक राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले और उसे चीनी साम्राज्य में बदल दिया जाए। लेकिन चीन भूल गया है कि यह भारत है, ना कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोस्तों। इसके मध्यंजर में भारत ने चीन के कई सारे प्लेन के ऊपर पानी फेर दिया है, जिसमें से चीन द्वारा भेजे जा रहे हैं। युद्धपोत को भारत ने पढ़कर उसके खिलाफ एक्शन लिया है। इसके बाद चीन काफी ज्यादा तिलमिला गया है और वह बार बार यह हरकत कर यह सिद्ध कर रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आओ हमसे युद्ध करो। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से कर दिखाया, चीन और चीन के जासूसों का इलाज चीन हो गया। भारत के हथियारों से परेशान, जिसे देखकर आप लोग खुशी से झूम उठोगे। अब सभी देश भारत के सपोर्ट में आ चुके हैं और साथ ही साथ भारत की तारीफ करना शुरू कर दिए हैं। सबके सब देश चीन के खिलाफ है और भारत का साथ इसलिए दे रहे हैं कि चीन से जो पुराना हिसाब है वह पुख्ता करना है, इसलिए यह भारत साथ है नहीं तो यह भी देश भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यह इस वक्त मतलब से आए हैं। खैर, यह सब छोड़ो, हम चीन की बात करते हैं। दरअसल आप चीन को तो जानते ही हो कि कैसे उसने हर बार भारत की टांग को खींचा है, तो आज भारत ने चीन के लिए ऐसा तोड़ निकाला है कि टांग को खींचना तो दूर, उसे टच भी नहीं कर पाएगा। शायद अब तक यह खबर चीन तक पहुंच गई होगी कि भारत उसको इस दुनिया से विदा करने की तैयारी कर रहा है। अगर नहीं पहुंची है तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, उसके माथे से पसीना आना शुरू हो जाए। भारतीय लोग चीन को भारत से माफी मांगते हुए देखना चाहते हैं। सब लोग भारत को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सभी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपको एक एक सच प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूं। तो क्या है पूरी रिपोर्ट्स, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी भारत के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की तारीख में चीन अपने पड़ोसी देशों को परेशान करने में लगा हुआ है। दरअसल पिछले 4 सालों में आपने यह खबरें खूब सुनी होगी कि चीन का जासूसी जहाज रिसर्च शिप के नाम से पूरे हिंद महासागर में चक्कर लगा रहे हैं। कभी यह श्रीलंका भेजते थे अपनी रिसर्च शिप, कभी मालदीव या कभी किसी और देश। इनका मकसद यह होता था कि भारत को जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करने वाला होता था तो चीन उससे एक हफ्ता पहले अपनी रिसर्च शिप हिंद महासागर में भेज दिया करता था, ताकि जब मिसाइल का टेस्ट हो तो उस मिसाइल टेस्ट का जो भी डाटा है वह अपने इन जासूसी शिप के जरिए वह कलेक्ट कर सके, उन मिसाइलों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सके कि इन मिसाइलों की परफॉर्मेंस आखिर में है कैसी और ये कैसे चीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और किस हद तक युद्ध के समय ये चीनी सेना को नुकसान दे सकते हैं। इन सब का ये डाटा कलेक्ट करते थे। अब यकीनन सी बात है, इससे भारत को नुकसान होगा, क्योंकि जब दुश्मन को हमारे मिसाइलों की ताकत का पता लग जाएगा तो मिसाइलों का जो सरप्राइज फैक्टर है वह खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारा दुश्मन देश उस डाटा का इस्तेमाल करके हमारी मिसाइलों के खिलाफ एक सुरक्षा तंत्र तैयार कर सकता है, पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है इन मिसाइलों की मार से बचने के लिए। ऐसे में हमारा जो करोड़ों रुपए की मिसाइल हमने तैयार करी है वह तो बेकार हो गई, और इस चीज से भारत काफी लंबे समय से परेशान था। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा इलाज किया है चीन का कि चीन के रिसर्च शिप और उस पर तैनात तमाम जासूस अपनी बगले झांक रहे हैं। क्या इलाज किया भारत ने? दरअसल भारत ने पिछले 1 सालों में बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट करी जिसके तहत हम बंगाल की खाड़ी में मिसाइल टेस्ट करने वाले थे, और जब भी भारत ऐसी अनाउंसमेंट करता था चीन रिसर्च शिप भेजता था, यानी कि जासूसी करने की शिप। लेकिन भारत क्या करता था? जैसे ही यह रिसर्च शिप हिंद महासागर में आई, भारत मिसाइल टेस्ट कैंसिल कर देता था। आप जानकर हैरान होंगे, इस साल 2024 में तो भारत ने यह मिसाइल टेस्ट काफी बार कैंसिल किए, जिससे कि चीन को नुकसान हुआ, क्योंकि एक रिसर्च शिप को चीन से हिंद महासागर लाने में करोड़ों नहीं
अरबों रुपए का खर्चा होता है और इसीलिए चीन इस बात से इतना परेशान हो गया कि मालदीव में, श्रीलंका में जो इनके रिसर्च शिप थे, ये सब इन्होंने वापस बुला लिए। अब से कुछ ही दिन पहले यह सोचा कि अब भारत मिसाइल टेस्ट नहीं करेगा, ये तो हमें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारी रिसर्च शिप बुलवा लेते हैं और फिर मिसाइल टेस्ट करती ही नहीं। और जैसा ये हुआ, भारत ने, आप स्क्रीन पर देखिए, आज ही अनाउंस किया है कि हम एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है ब्रह्मोस ER। जी हाँ, हमने ब्रह्मोस का एक ऐसा वेरिएंट तैयार कर लिया है जो कि लंबी दूरी तक वार कर सकता है, यानी कि स्पेशली इसे चीन के लिए ही बनाया गया है, ताकि यह ब्रह्मो मिसाइल का कहर चीन के जो अंदरूनी शहर हैं वहाँ पर भी बरस सके। और इस मिसाइल का टेस्ट आने वाली 20 से लेकर 23 तारीख के बीच में कभी भी किया जा सकता है। और चीन के लिए मुसीबत ये है कि इस मिसाइल की जासूसी उनके लिए अति इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानकर हैरान होंगे कि चीन भारत की अग्नि या फिर हमारी जो पृथ्वी दूसरी मिसाइलें हैं उनसे इतना नहीं डरता जितना ब्रह्मोस से डरता है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इसे पकड़ पाना चीन के बस की बात नहीं है, लेकिन चीन अभी तक शांत बैठा था, क्योंकि हमारे पास इसके 250-300 किमी वाले वेरियंट्स थे जिसकी मदद से भारत चीन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। लेकिन अब यह ब्रह्मोस का ER वेरिएंट आ चुका है जो कि लॉन्ग रेंज की श्रेणी में आता है, यानी कि इसकी रेंज 1000 किमी प्लस है, और उसके ऊपर इसे आप भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर तैनात कर सकते हैं, यानी कि इसकी रेंज ऑटोमेटिक और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि अगर आपको चीन के और अंदरूनी इलाकों में हमला करना है तो आप अपने जो जंगी बेड़े हैं उन्हें चीन के और करीब ले जाइए, और जब आपको लगे कि चीन की राजधानी बीजिंग और शंघाई, जो इनका फाइनेंशियल कैपिटल है, वह सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर रह गया है, इनके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल सारी छोड़ दीजिए, सर्वनाश सर्वनाश। और इसी वजह से चीन इसकी जासूसी करना चाहता था, लेकिन भारत ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि अब इनकी रिसर्च शिप को यहाँ पर आने में कम से कम 15 से लेकर 20 दिन लगेंगे, तब तक आराम से भारत इसका टेस्ट करके इसी से शामिल करने की कार्रवाई शुरू कर चुका हो। तो दोस्तों, इस खबर में तो बस इतना ही था, लेकिन इस खबर पर आप सभी की क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो चलो बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। तो चलो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर जो भारत के पड़ोसी देश से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों, यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि जैसे ही भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसके तुरंत बाद चीन ने अपने पालतू मीडिया यानी ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश की। मैसेज यह था कि भारत जिस तरीके की नई नई मिसाइलों को टेस्ट कर रहा है, ये आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन दुनिया ने चीन की इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए भारत की तारीफ की और कहा कि अगर भविष्य में हमें अग्नि जैसी मिसाइलों की ज़रूरत पड़ती है तो हम भारत से बिना किसी संकोच के ये मिसाइलें खरीद लेंगे। दोस्तों, भारत एक ऐसी मिसाइल को बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है जिसे हम भारत से बैठे बैठे अमेरिका तक को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि इसकी रेंज करीब 12,000 किलोमीटर की रहने वाली है। और कहीं ना कहीं दुनिया इस बात को भी जानती थी कि भारत इसके मिसाइल सिर्फ चीन को काउंटर करने के लिए तैयार कर रहा है, और सही मायने में देखा जाए तो भारत के पड़ोस में भारत का एक ही बड़ा दुश्मन है, वह है चीन। क्योंकि पाकिस्तान को तो हम कभी सीरियसली लेते नहीं हैं, उसे हम कभी भी उड़ा सकते हैं, बस शर्त यह है कि पाकिस्तान को बैक एंड से मदद अमेरिका की तरफ से ना मिल रही हो, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और अभी भी करता है। रिसेंटली अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को अराउंड 400 मिलियन यूएस डॉलर का पैसा भेजा गया है ताकि लोगों की मदद की जा सके, और पाकिस्तान उसी पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जाकर के करता है। अगर आप हमारी इस बात से सहमत है, कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखेगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।